और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। जयपुर में विभिन्न विभागों के 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीर जयपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेलवे में 45 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो वहीं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो भी कार्य करे भारत माँ को याद करके करे, नई नियुक्ति है तो जोश के साथ कार्य करे। साथ ही रेल मंत्री ने यह भी कहा कि रेल नेटवर्क को पूरी तरह परिवर्तित किया जा रहा है, रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई और अन्य सुविधाएं बेहतर हुई है। तो वहीं सांसद रामचरण बोहरा ने कहा है कि एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य किया गया है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत के लिए रेल मंत्री जी ने सहमति प्रकट कर दी है और उन्होंने जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए दोहरीकरण किए जाने की जरूरत है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर से ये सीधी तस्वीरें, जहां 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के लिए योगेश सिंह राजपूत। तो काफी उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है वहां मौजूद अभ्यर्थियों में, क्योंकि 450 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आपको बता दें रेलवे में 45 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो भी कार्य करे भारत माँ को याद करके करे, नई नियुक्ति है तो जोश के साथ कार्य करे। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि रेल नेटवर्क को पूरी तरह परिवर्तित किया जा रहा है, रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई और अन्य सुविधाएं बेहतर हुई है। वहीं सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे भारत के लिए रेल मंत्री जी ने सहमति प्रकट कर दी और उन्होंने जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए दोहरीकरण किए जाने की जरूरत है, उन्होंने कहा है। तो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, काफी उत्साह अभ्यर्थियों के अंदर देखने को मिल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया और अब रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जयपुर में विभिन्न विभागों के 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। देखिए तस्वीर जयपुर से सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर सीधी जयपुर से हम पहुंचा रहे हैं, जहां एक एक करके सभी अभ्यर्थी स्टेज पर पहुंच रहे हैं और अपना नियुक्ति पत्र लेकर वहां से जा रहे हैं। 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज बांटा जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेज पर मौजूद है, सतीश पूनिया स्टेज पर मौजूद है और बारी बारी से सभी अभ्यर्थी स्टेज पर आकर अपना नियुक्ति पत्र लेकर जा रहे हैं। एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग अभ्यर्थियों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। 45 लोगों को आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र रेलवे में दिया जा रहा है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि जो भी कार्य करे भारत माँ को याद करके करे, नई नियुक्ति है तो जोश के साथ कार्य करे। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि रेल नेटवर्क को पूरी तरह परिवर्तित किया जा रहा है, रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई और अन्य सुविधाएं बेहतर हुई है। वहीं सांसद रामचरण बोहरा ने कहा है कि एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे भारत के लिए रेल मंत्री जी ने सहमति प्रकट कर दी है, उन्होंने जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए दोहरीकरण किए जाने की जरूरत बताई है। तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फिलहाल कार्यक्रम जारी है, जहाँ बारी बारी से अभ्यर्थी स्टेज पर आ रहे हैं, जहाँ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, साथ ही
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 450 अभ्यर्थी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे में 40 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। इस बात की खुशी भी मनाई जा रही है, तालियों के साथ सभी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें मंत्रियों की, सांसदों की, या फिर उन अभ्यर्थियों की जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। और चलिए